भ्रम राक्षस जिसका नाम सुनते ही मन में एक डरावनी इमेजिनेशंस बनने लगती है और रूह कांप जाती है। वैसे तो भूत, पिशाच, चंडाल पॉजिटिव एनर्जी से डरते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षसों को तो कई मंत्र तंत्रों का ज्ञान होता है। इनकी शक्तियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अगर कभी गलती से किसी का सामना इनसे होता है तो उसका विनाश निश्चित। असल में ब्रह्म राक्षस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहले शब्द का मतलब होता है ब्राह्मण, जो हिंदू जाति में सबसे उच्च जगह पर माना जाता है। वहीं दूसरा शब्द राक्षस है, जो काली शक्तियों से बने हुए दैत्य या दानव होते हैं। इस तरह से ब्रह्म राक्षस का मतलब ब्राह्मण का दानव होता है। बता दें कि ब्रह्म राक्षस उन ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हों, जिन्होंने हमेशा दूसरों का बुरा किया हो। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल के बाद अपने ज्ञान की वजह से एक ब्रह्म राक्षस के रूप में भोग भोगने पड़ते हैं। मान्यताएं हैं कि ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये राक्षस वेद पुराण और मंत्रों के ज्ञान की वजह से आम भूत से कई ज्यादा ताकतवर होते हैं, और ये किसी के पीछे अगर पड़ जाएं तो उससे छुटकारा पाना किसी भी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं अगर कोई ब्रह्म राक्षस किसी इंसान से खुश हो जाए तो वो उसके जीवन में पैसों की बारिश कर देते हैं, उन्हें एक देवता की तरह वरदान भी देते हैं। इसलिए बहुत सी जगहों पर ब्रह्म राक्षस के लिए मंदिर बनाए गए हैं, जहां उनकी मूर्तियां रखी गई हैं और लोग दूर दूर से आकर उनकी पूजा करते हैं और तो और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, ताकि ब्रह्म राक्षस उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब हिंदू धर्म के अनुसार एक इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा का बंटवारा उसके कर्म के हिसाब से भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल इन सभी भागों में होता है। अगर पुराणों की माने तो प्रेत 18 तरह के होते हैं। इनमें से भूत पहले नंबर पर आते हैं, यानी जब किसी इंसान की मौत होती है तो सबसे पहले वो भूत बनता है, जो आगे किसी उम्र में बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस बनते हैं। वो अपने पिछले जन्म की यादों के साथ साथ वेद और पुराणों का ज्ञान अपने पास समेट कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो इनका आधा भाग ब्रह्म यानी देव का होता है और आधा भाग दैत्य यानी दानव का होता है। जैसे कि हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके, ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो लोग उच्च ब्राह्मण जाति में जन्म लेते हैं, वेद पुराणों का ज्ञान, पूजा पाठ करके सिद्धियां हासिल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर तरह के बुरे काम में लिप्त रहते हैं, या फिर वो अपने जन्म से लेकर अपनी मौत तक ऐसे बड़े पाप करते हैं जो एक ब्राह्मण के लिए कहीं से भी सही नहीं है और ना ही ऐसे काम को अच्छा काम माना जाता है। इतना ही नहीं, वो लोग जो अपने ज्ञान और प्रतिभा का इस्तेमाल समाज कल्याण करने के बजाय अपने पर्सनल सेल्फिशनेस या फिर गलत कामों के लिए करते हैं, ऐसे लोग ही मरने के बाद अपनी नॉलेज और टैलेंट की वजह से ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सजा काटते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ब्राह्मण जिसने बुरे काम किए हों वो ब्रह्म राक्षस ही बन जाते हों, क्योंकि इसके लिए उसके पास वेदों का पूर्ण ज्ञान और उन पर सिद्धि प्राप्त होना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह रावण को वेदों और वेदांग का ज्ञान होने के साथ साथ बहुत सी विद्याओं में भी सिद्धि प्राप्त थी, यहां तक कि उसने अपनी तपस्या से देवों के देव महादेव के कैलाश पर्वत को भी हिलाकर रख दिया था। कुल मिलाकर वो अपनी सभी शक्तियों के बल पर बुरे कर्म ही करता था। ठीक इसी तरह के ब्राह्मणों की आत्माएं आगे जाकर ब्रह्म राक्षस बन जाती है। बता दें कि ब्रह्म राक्षस का जिक्र भागवत गीता में भी दिया गया है। भागवत गीता महाकाव्य के चैप्टर 6.182 में ब्रह्म राक्षसों के बारे में बताया गया है, जिसके मुताबिक पूसीवाला नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, जो चारों वेदों, वेदांगों, पुराणों का ज्ञाता था और तो और वो सभी मंत्रों को अच्छे से जानता था। उसका ब्राह्मण आचरण तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी पत्नी थी एक बुरी प्रवृत्ति की महिला। वैसे ब्राह्मण इतना गुणवान और अच्छा होने के बाद भी अपनी पत्नी की सारी बातें मान लेता था और हर तरह के सही गलत काम करता। जब भी उस ब्राह्मण के पास कोई पूजा पाठ या फिर हवन करवाने आता तो उसकी पत्नी उससे बड़े बड़े उपहार लेने के लिए कहती, जिस वजह से वो अक्सर तोहफे में भैंस, घोड़े जैसे जानवर स्वीकार कर। बीतते समय के साथ अपनी पत्नी के साथ साथ उसमें भी धीरे धीरे लालच आ गया। जो भी उन्हें तोहफे के तौर पर मिलता वो उन वस्तुओं को कभी भी किसी जरूरतमंद ब्राह्मणों को नहीं देते थे। समय गुजरता गया और मौत के बाद उनकी आत्माएं भूख और प्यास से भटकती रही। फिर आखिर में उन्होंने एक पीपल के पेड़ पर वास किया और ब्रह्म राक्षस बना। भगवद गीता के अलावा शिव पुराण में भी ब्रह्म राक्षस का जिक्र मिलता है, जहां कुछ बुरी प्रवृत्ति के ब्राह्मणों को ऐसा श्राप दिया गया है कि जो जन्म से लोभी होंगे वो हमेशा गरीब रहेंगे और मौद्रिक तोहफे लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसे लोगों का धन स्वीकार करेंगे जो दान देने के योग्य तक नहीं है तो नरक में जाएंगे और उनमें से कुछ ब्राह्मणवादी राक्षस भी बन जाएंगे।
अगर कोई इंसान पीपल के पेड़ को काट देता है तो उसको ब्रह्म राक्षस परेशान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस ज्यादातर पीपल के पेड़ों पर ही रहा करते हैं। इसके साथ ही बहुत से लोगों को अचानक जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जमीन में गड़े हुए खजानों की रक्षा खुद ब्रह्म राक्षस ही करते हैं। अगर वो खजाना कोई ले आए तो ब्रह्म राक्षस उसे बहुत परेशान करते हैं। और तो और कई बार ये लोग अनजाने में कई साल पुराने पेड़ों को भी काट देते हैं जो कि कई सदियों से किसी जगह पर मौजूद रहते हैं। मान्यता है कि कई साल पुराने पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उनमें ब्रह्म राक्षसों का घर हो सकता है। बहुत से तंत्र विद्या में महारत हासिल करने वाले अघोरी दूसरे लोगों के कहने पर या फिर अपनी निजी जरूरत को पूरा करने के लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके ब्रह्म राक्षस को अपने घर में बुलावा देते हैं, फिर किसी खास इंसान पर उसका असर डालने के लिए भी भेज सकते हैं। अगर कोई इंसान ब्रह्म राक्षस के असर का शिकार बनता है तो उससे छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाता है। देखिए, जब कोई इंसान ब्रह्म राक्षस बन जाता है तो ऐसा इंसान बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वो हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन गुजारता है। इसे ही जिन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसी ही अवस्था में बैठे या खड़े रह सकते। वैसे तो इनका निवास पीपल के पेड़ पर पाया जाता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वहीं पेड़ पर रहने की कुछ पहचान भी होती है। अब क्योंकि पीपल के पेड़ पर ब्रह्मदेव और ब्रह्म राक्षस दोनों का निवास होता है, तो ऐसे में अगर पीपल ऊपर से सूखा हो और नीचे से हरा भरा हो तो उस पर ब्रह्म राक्षस का निवास माना जाएगा। और अगर पीपल का पेड़ नीचे से सूखा और ऊपर से हरा भरा है तो उस पर भगवान ब्रह्मा का निवास माना जाता है। इसी पेड़ पर ये अपना घर बना लेते हैं और इंसानों के द्वारा चढ़ाए गए पानी और खाने को ग्रहण करके उनकी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। वहीं अगर खुश नहीं हुए तो उनको परेशान भी जरूर करते हैं। प्राचीन ग्रंथों की माने तो ब्रह्म राक्षस शक्तिशाली दानव आत्मा होती है जो इस दुनिया की कई काली शक्तियों की मालिक होती है, और सिर्फ कुछ लोग या कुछ राशि के लोग ही इनसे लड़ सकते हैं और तो और उन्हें इस जीवन से मुक्ति दे सकते हैं। बता दें, गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का रास्ता बड़ा ही आसान बताया गया है। देखिए, इस ग्रंथ में एक जगह बताया गया है कि एक ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस पेड़ पर बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा गलती से सुन लिया और फिर उसे तुरंत मुक्ति मिल गई। तो ऐसे में इस तरह से कभी कभी ब्रह्म राक्षस को मुक्ति भी मिल सकती है। कहते हैं ये ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के उच्च स्तर को बनाए रखते हैं और इंसानों को खाते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने पिछले जन्म की बातें, वेद और पुराणों का ज्ञान अपने साथ अपनी यादों में रखते हैं। दूसरे शब्दों में उनका आधा भाग ब्राह्मण और आधा भाग दानव का होता है। भीमपुर गांव में एक 70 साल के बूढ़े पुजारी थे। विद्वान होने के साथ साथ और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी की थी। वो अपने परिवार के साथ पास के कार्तिका देवी मंदिर में पूजा करके जीवन गुजारते और खुशी खुशी रहते। लेकिन एक दिन उनके परिवार के किसी सदस्य ने देखा कि पुजारी के शरीर पर छाले पड़ गए और तेज बुखार भी है। इसलिए उनके घर वाले उन्हें गाँव के किसी डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने बताया कि वो चेचक नाम की एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित। उन दिनों चेचक एक भयानक बीमारी हुआ करती थी। इस बीमारी से केवल 10 में से एक व्यक्ति ही बच पाता था। पुराने दिनों में इस बीमारी से पीड़ित इंसान को अलग रखा जाता था। ऐसा ही कुछ पुजारी के साथ भी हुआ। उन्हें उनके घर के पास एक झोपड़ी में अलग रखा गया और एक नौकर उनकी देखभाल करता था, लेकिन उनके बच्चे कभी उनके पास नहीं जाते थे। बीमारी की वजह से उनकी आंखों में छाले पड़ गए और इस वजह से वो अंधे हो गए। जीभ और गले में भी छाले होने के कारण खा या पी भी नहीं पाते थे। ऐसे ही वो 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक उस हालत से जूझते रहे और फिर उनकी मौत हो गई। फिर 2 दिन बाद नौकरों ने पाया कि पुजारी की मौत हो गई है और कोई भी उनके पास नहीं गया था। अब क्योंकि उनका शरीर पूरा सड़ चुका था, इसलिए उसका ब्राह्मणों जैसा अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उनके शरीर को कपड़ों में लपेटा गया और बाद में ऐसे ही जला दिया गया। कुछ समय बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। परिवार के सदस्यों को रात में कुर्राने की आवाजें सुनाई देती थी। पुजारी की मौत के बाद सबसे बड़े बेटे ने मंदिर में पूजा करने की जिम्मेदारी ली थी। वो सूरज निकलने से पहले तालाब पर नहाने के लिए जाता था, लेकिन उसे तालाब के पास पत्थरों पर पानी के निशान दिखाई देते थे, जैसे उससे पहले कोई वहां पर नहा के गया हो। बता दें कि वो अपने पिता की मौत के बाद परिवार में सबसे पहले सुबह उठने वाला इंसान था। कुछ समय बाद घर के आसपास के मवेशी भी मरने लगे।
जिससे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी कि भाई पुजारी की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है और जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार हुआ है उससे वो बहुत दुखी हैं। और इसकी पुष्टि तब हुई जब परिवार के एक सदस्य ने घर के पास इंसानी पैरों के आकार के बड़े बड़े निशान देखे। डरावनी बात तो ये थी कि इन निशानों के पास पड़े पत्ते आधे जले हुए थे। ये सब जानने के बाद पूरा मोहल्ला डर गया। उन्होंने इन सभी चीजों के पीछे की वजह जानने के लिए एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने निशान देखे और बाद में उन्होंने ध्यान किया और समझा कि इस पुजारी की आत्मा द्वारा किया गया था जो शांत नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पुजारी ब्रह्म राक्षस बन गया था। वैसे जब कोई ब्राह्मण अकाल मृत्यु से मरता है तो उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है, जो बहुत ही ताकतवर होती है, क्योंकि जो मरे हैं वो जीवित रहते हुए पुजारी थे। ज्योतिष ने आगे बताया कि अगर कोई ब्रह्म राक्षस के रास्ते में आता है और उसकी आंखों में देखता है तो वो जलकर मौत के घाट उतर जाता है। इसके अलावा वो मवेशियों पर हमला करते हैं और उन्हें मार भी देते हैं। यही वजह है कि जानवरों की मौत और उनके घर के आसपास पैरों के निशान मिले हैं। ब्रह्म राक्षस को शांत करना आसान नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जिसके बाद में उन्होंने कुछ पूजा पाठ की और मृतक पुजारी का अच्छे से अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उन्होंने पुजारी की एक समाधि भी बनाई। और ज्योतिषी ने परिवार से कहा कि वो हर दिन सूरज निकलने से पहले शाम को समाधि में एक दीपक जरूर जलाएं। उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि भले ही आत्मा शांत है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक कोई उसके रास्ते को पार ना करे, क्योंकि कहा जाता है कि अभी भी ब्रह्म राक्षस अपनी समाधि के पास के एरिया में चलते हैं, इसलिए रात में खासकर कोई भी उस जगह के पास ना जाए। इतने सालों के बाद भी पुजारी के घर का कोई ना कोई सदस्य उनकी समाधि पर दीपक जलाता है।